डिस् करते हैं कि हेस्ट लॉ क्या होता है और इसकी अपलिकेशन हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं ये कहता है इन सिंपल टर्म्स की वो एंथेल्पी चेंज जो हमें एक सिंगल स्टेप में या सिंगल रिएक्शन में नजर आ रहा है वो हमें सेम वही हमें तब भी नजर आएगा जब वही सेम रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होगा बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप अपने सामने एक जनरल सी अलस्ट्रेशन देख सकते हैं यानी कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली तो जो आपके पास एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एज अ रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री भी हो सकती है यानी कि ये भी हो सकता है कि ए पहले सी में कन्वर्ट हो देन सी डी में कन्वर्ट हो देन डी बी में कन्वर्ट हो इनडायरेक्टली फॉर एक्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिक्सटी एट किलो जॉल पर मोल देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि यही रिएक्शन टू स्टेप भी हो सकता है वो कैसे कि आपके पास सबसे पहले क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं देन वो नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट कर, कर रहा है ऑक्सीजन के, के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट रहा है इन कि वो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट करें जिसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स जिसका मतलब ये है कि आपके पास जब आप हीट को कंबाइन कर रहे होंगे यहाँ पे यहाँ पे जो आपके पास स्टेप नंबर वन है वो एंडोथर्मिक है लेकिन आपके पास जो स्टेप नंबर टू है वो एक्जोथर्मिक है जब हम इन दोनों हीट्स को आपस में ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास एज अ रिजल्ट उतनी ही हीट जनरेट होती है जितनी एज अ रिजल्ट ऑफ उतनी ही हीट एब्ज़ॉर्ब होती है जितनी एज अ रिजल्ट सिंगल स्टेप एबजॉर्ब हो रही है यानी कि ये रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या दो स्टेप में हो इसका जो इंथेल्पी ऑफ़ रिएक्शन है वो सेम होगा उसके अलावा स्टूडेंट्स हैस लॉ हैस लॉ की एप्लीकेशन स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा काम आती है जहाँ पे आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअली एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्ट करके अपनी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे सकते यानी कि ये उन तमाम एलिमेंट्स के लिए उन तमाम कंपाउंड्स के लिए अफेक्टिव है जो कि डायरेक्ट कम्बिनेशन से नहीं बनते फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बोरॉन ऑक्साइड बी टू ओ थ्री बोरिक एनहाइड्राइड भी जिसको कहते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बड़े कंपाउंड्स हैं जो कि डायरेक्टली अपनी एलिमेंटल फॉर्म्स के रिएक्ट करने पर नहीं बनते उसके स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक रीजंस होती हैं वो ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है आपके पास Al2O3 गलूमिना इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ये मल्टीपल स्टेप्स में बन रहा होता है तो इस तरह हैस लॉ हमें ये पाथवे प्रोवाइड करता है कि हम उसकी इनडायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकें क्यों नहीं रिएक्ट करता एलिमेंटल फॉर्म में एलुमिनियम और ऑक्सीजन डायरेक्ट इसलिए नहीं रिएक्ट करते क्योंकि स्टूडेंट्स जब एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है जो कि उसको कम्बशन से या फर्दर ऑक्सीडेशन से रेजिस्ट करता है यानी कि इतना रेजिस्टेंट होता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू या कम्बशन के थ्रू तो स्टूडेंट्स इस वजह से ये डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करता इनडायरेक्टली रिएक्ट करता है बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स केस है आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड का बी टू ओ थ्री का बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि इनडायरेक्टली स्टेप से बनता है जो हमने आगे पढ़ेंगे भी आप अपनी ऑर्गेनिक की बुक के अंदर कि यह फोटोकेमिकल सीरीज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रहा होता है तो जो आप इसके लिए हीट कैलकुलेट करते हैं वो स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं तब भी आपको पता चलता है कि पूरे एज अ होल प्रोसेस में कितनी हीट जनरेट हुई है कितनी हीट रिलीज हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है यह तो हो गई स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आपके पास है की। उसके बाद एग्जांपल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कंबेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व अबाउट किलो ऑफ एनर्जी आपके पास इक्वेशन गिवन है सिंगल स्टेप इक्वेशन भी गिवन है आपके पास टू स्टेप्स में भी इक्वेशन गिवन है नेट रिएक्शन आपके पास गिवन है यानी कि वही रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है वही रिएक्शन अगर कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करे तो वो एक्जोथामिक रिएक्शन होगा और एनर्जी कितनी रिलीज करेगा माइनस वन टेन पॉइंट फाइव टू किलो जॉल्स पर मोल देन स्टूडेंट्स वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब दोबारा ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा और माइनस टू एटी टू पॉइंट नाइन एट किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा जिसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास उतना ही बनेगा जितना सिंगल स्टेप के नतीजे में बन रहा है तो so स्टूडेंट्स इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट्स अभी ड्रा कर सकते हैं जो मैं आपके सामने ड्रा कर सकती हूँ। कि स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं आप सिंपली उनको एक फ्लो में भी लिख सकते हैं प्लस ओ2 या आपने रिएक्टेंट्स लिख ली स्टूडेंट्स अपने पास और प्रोडक्ट आपने यहां लिख दी एज़ अ रिज़ल्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप ये दोनों स्टेप्स के लिए लिख सकते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंटरमीडिएट या आपके पास हीट है जो कि आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या जो भी है उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने डबल स्टेप के लिए बनाना हो तो आप इसको कैसे बना सकते हैं आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है वो आप क्या आपके पास आगे एक इंटरमीडिएट स्टेप दे रहा है जिसमें उसके है, रिएक्टेंट्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एंड देन वो आपको फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गैसियस इन नेचर इसको आप इसकी गैसियस फॉर्म्स के साथ लिख सकते हैं कि किन फॉर्म्स में रिएक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलते एग्जाम्पल एलेवन पॉइंट सिक्स डिस्कस करते हैं इथेरेपी ऑफ़ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली अब मीथेन की इन्थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन भी आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बाय द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ इट कैन बी डिटर्मिन इन डायरेक्टली फ्राम द इथेरेपीज ऑफ कम्बशन अब आपके पास स्टूडेंट्स इन ऑफ कम्बशन गिवन है अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम डील कर रहे हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन तो हम कभी भी मीथेन को रिएक्टेंट्स में नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन नंबर वन है इसको हम इन्वर्ट कर देंगे इन्वर्ट हम कैसे करेंगे इस केस में ये एक्सोथर्मिक था जब हम इन्वर्ट कर देंगे इसको तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा वो कैसे हम लिख के देखते हैं स्टेप नंबर वन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है टू मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल के साथ एंड देन ये जनरेट कर रहा है मीथेन एंड टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अब हम इसके लिए जो डेल्टा एच लिखेंगे स्टैंडर्ड डेल्टा एच लिखेंगे वो प्लस एट नाइन्टी पॉइंट फोर किलो जॉल्स पर मोल आएगा दैन स्टूडेंट्स रिएक्शन नंबर टू रिएक्शन नंबर टू में स्टूडेंट्स ये हो रहा है कि आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रही है अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको टू मोल्स के लिए कर लें यानी कि टू एच टू प्लस हाफ ओ टू तो एच टू वो आपके पास जनरेट होगा टू एच टू ओ जनरेट होगा तो आपके पास क्या होगा कि जितना रिएक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हीट भी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम वन मोल की बात करें तो डबल ओ के टू मोल के लिए कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय टू तो अब क्या होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू एच टू प्लस हाफ ओ टू तो इट विल जनरेट अबाउट टू एच टू ओ टू मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये टू एच टू प्लस ओ टू टू एच टू ओ और डेल्टा एच हम कर लेंगे इसके लिए इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स माइनस फाइव सेवेंटी वन पॉइंट जीरो किलो जाउल्स पर मोल देन स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्शन नंबर थ्री है उसको भी आप एज इट इज़ रहने देंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड देन आपके पास डेल्टा एच यहाँ पे आ रहा है माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव किलो जउल्स पर मोल देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे अब हम इनको

पहले क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी इंडिविजुअली उनको मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनके कोफिशंस के साथ उनको ऐड करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से दैट ऑफ रिएक्टेंट्स तो स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं समिशन यानी कि हम ऐड कर रहे होंगे दैट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस दैट ऑफ रिएक्ट्रेंस समिशन इसलिए हम ऐड करेंगे कोफिशन लिख लेंगे यहाँ पे हम कोफिशन की छोटी फॉर्म लिख देंगे आप यहाँ पे पी इंटू अब आपने क्या करना है 16 इंटू डेल्टा एच एफ डेल्टा एच एफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव इंटू माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव देन स्टूडेंट्स आप क्या करे होंगे इसमें ही ऐड कर रहे होंगे एटीन इंटू माइनस टू एटी फाइव माइनस टू एटी फाइव देन आप ब्रैकेट स्टूडेंट्स क्लोज कर रहे होंगे एंड देन आप इसमें से माइनस करेंगे सम्मिशन फॉर द कोफ़िशंट ऑफ कोफ़िशन ऑफ रिएक्टेंट्स अब रिएक्टेंट्स की बारी आएगी तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे टू इन टू टू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे टू को आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे माइनस टू सिक्सटी नाइन्स है माइनस टू सिक्सटी नाइन से एंड देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि ऐड कर रहे होंगे इसके अंदर ट्वेंटी फाइव ओ टू ट्वेंटी फाइव इंटू ओ ओ आप ओ के लिए ऑक्सीजन के लिए आपके पास स्टूडेंट्स जीरो किलो जाउल्स हैं एंड देन आपके पास ब्रैकेट्स क्लोज़ हो जाएंगी देन स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे सॉल्व करेंगे आप सिक्सटीन इंटू माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव सिक्सटीन माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव इट विल बी इक्वल टू माइनस सिक्स नाइन माइनस सिक्स टू नाइन सिक्स प्लस एटीन में से माइनस कर एटीन में को मल्टीप्लाई कर देंगे एटीन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू एटी फाइव इट विल बी इक्वल टू माइनस फाइव वन थ्री जीरो माइनस फाइव वन थ्री ज़ीरो अब आप क्या करेंगे ये ब्रैकेट्स आप कर देंगे क्लोज इंटू माइनस आप क्या करेंगे टू को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे टू इंटू माइनस टू सिक्सटी नाइन टू सिक्सटी नाइन माइनस थर्टी एट इंटू माइनस फाइव थर्टी एट फाइव थर्टी एट और बाद में स्टूडेंट्स आप जीरो के साथ इसको ऐड कर रहे होंगे अब स्टूडेंट्स एट दी एंड क्या होता है कि सिक्सटी माइनस सिक्सटी टू नाइन सिक्स माइनस फाइव वन थ्री ज़ीरो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ये आपके पास आ गया फाइव थर्टी एट दैन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इसको जब एंड पे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है माइनस वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन एज टू पार फोर यूनिट्स के साथ लिखेंगे किलो जॉब्स तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन आ जाता है पूरे रिएक्शन के लिए एक्जाम्पल एलेवन पॉइंट एट से कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द टिश्यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वे आर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एफ आर माइनस ट्वेल्व फिफ्टी एट पॉइंट वन एट किलो जाउस जीरो माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलो जाउस एंड माइनस टू एटी फाइव किलो जाउस फॉर ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे आप रिएक्शन लिख लेंगे इसके लिए एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू आपके पास आ जाता है सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ अब स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि इसमें कोफिशंट्स देख के आप वैल्यूज़ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे जिस तरह हमने पहले भी मैंशन किया डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन के लिए डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन के, के लिए आप क्या करेंगे स्मिशन स्मिशन कोफिशेंट ऑफ प्रोडक्ट्स कोफिशेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे आप लिख देंगे कोफिशंट ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख लेंगे माइनस ट्वेल्व फिफ्टी एट पॉइंट फॉर प्रोडक्ट सिक्स इंटू सिक्स इंटू माइनस थ्री नाइन्टी थ्री माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव आप स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर रहे होंगे सिक्स इंटू माइनस टू एटी फाइव देन स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे देन मिशन फॉर कोफ़िशंट ऑफ रिएक्टेंट्स आप क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वन इंटू माइनस ट्वेल्व फिफ्टी एट पॉइंट वन एट प्लस रिएक्टेंट्स में आपने ऐड करना है प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के लिए वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो किलो जाउल्स दैट विल बी सिक्स इंटू ज़ीरो किलो जाउल्स एंड देन स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सिक्स इंटू थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव विच विल बी इक्वल टू माइनस टू थ्री सिक्स वन प्लस सिक्स इंटू सिक्स इंटू माइनस टू एटी फाइव माइनस वन सेवन वन जीरो ज़ीरोन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आपने लिखना है नेगेटिव ट्वेल्व फिफ्टी एट ट्वेल्व फिफ्टी एट पॉइंट वन एट प्लस जीरो ज़ीरोन स्टूडेंट्स आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस टू एट वन सेवन पॉइंट सिक्स किलो जाउल्स अब स्टूडेंट्स क्या करना है हैं आपने वन ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए जब आप कन्वर्जन करेंगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसको वन एटी से डिवाइड कर देंगे आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वन एटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगी टू एट वन सेवन डिवाइडेड बाय वन एटी विच विल बी इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव पर ग्राम पर कैलविन तो स्टूडेंट्स है आपके पास ग्राम्स में वैल्यू आ जाएगी के लिए जा।